भाई, तो आज हम खेलने वाले GTA San Andreas में आपका फिर से एक बार स्वागत है भाई मेरे चैनल पर। तो चलो चल के देखते हैं भाई आज का मिशन क्या है। भाई आपने अगर पिछले वाले एपिसोड नहीं देखे होंगे तो वो पहले जाके देखो, और ये है मेरी कॉमेट दिखा दो, और एक कॉमेट लेके चलते हूँ। भाई क्या सरस दिख रही है यार, टायर वगैरह बहुत अच्छे हैं, बस इसका रूफ टॉप नहीं है ना वो मुझे पसंद नहीं है। रुको, मुझे यार इस घर में भी जाना था, बहुत दिनों से नहीं रहा। और ये कहाँ पर रहता हूँ मैं, कैल्टन हाइट्स में रहता था यार, मैं बहुत दिन हो गए कैल्टन हाइट्स में ही रहते रहते। चलो भाई सबसे पहले तो भाई हम हमारे घर में ही चलते हैं, बहुत दिन हो गए यार उस घर में नहीं जाके। और वो जो हमारा फ्रेंड था जीरो, उसने भी उसी घर में कुछ तो काम के लिए बुलाया था, तो वो काम भी देख लेंगे क्या है। और वैसे तो उसने बहुत जल्दी बुलाया, रात के कितने, रात होने से पहले बुलाया, मतलब भाई लगभग उसने टाइमिंग दिया था 3 से 2 बजे तक आने के लिए। तो चलो देखते कि चले जाते हैं या नहीं। भाई साहब रास्ते में रिपेंट करना पड़ेगा यार इसको, आने वाले हैं। ओके पूछ चुके हैं हम, यहाँ पर बाहर है, इधर ही रखते हैं जीरो। तो अभी अभी हमारे जीरो से बात हो चुकी है, तो भाई उसने किया है कि रेस है किधर का, मतलब स्टेडियम ये रहा, इधर से रेस होगी, मतलब एक एक की रेस होगी इधर से लेकर इधर तक, जो भी सबसे पहले पर मतलब जिसको ज़्यादा से ज़्यादा कम टाइम लगेगा उधर तक पहुँचने के लिए वो जीतने वाला है। तो सब तो अच्छी अच्छी गाड़ी लेके आएंगे, तो हमें भी उसने कहा कि हॉट रिंग रेसर ढूंढने के लिए। तो चलो देखते हैं, हॉट रिंग रेसर तो वैसे तो शॉप में ही मिलेगी, गैरेज में, मतलब गैरेज तो शोरूम में ही मिलेगी, पर देखते हैं ऐसे किधर मिलते हैं। और ये उसकी गाड़ी है, ये अभी इधर ही है ना भाई, क्या बाइक का साउंड है यार, रुको तो यही लेके चलते हैं, यही लेके चलते हैं। हाँ, मेरा एक दोस्त भी है ना, उसके पास चलते देखते हैं, उसके पास लेके हैं, यही है उसका घर। नहीं तो चलो हम पूछने वाले, मतलब पूछने वाले नहीं, बहुत ही पास ही रहा। ओ भाई उसके पास तो बहुत ही गाड़ी है, वैसे भी वो भी एक माफिया ही है भाई, ये तो पुराने टाइप की गाड़ी है, पर देख लेते कैसे क्या है यार ये गाड़ी। ओ भाई स्पॉइलर वगैरह देख लो तो सही, भाई साहब क्या गाड़ी है यार। ओके तो चल के उससे थोड़ी बात कर लेते हैं, देखते हैं उसके पास उसमें से कोई गाड़ी देता है नहीं। उससे बात हो गई है, और देखो ये है भाई, तेरा मुँह तो दिखा छोड़ो भाई। उसने क्या है कि चलेगा, पर उसे कल दोपहर तक 12 बजे तक उससे गाड़ी चाहिए उसकी, और उसने कहा है कि ब्लू वाली ज़्यादा से ज़्यादा लेके जाए तो अच्छा होगा। चलो तो ब्लू वाली, उसने ये वाली कही या ये वाली मुझे पता नहीं, छोड़ो यही लेके जाते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, उससे क्या पता यार मैंने कौन सी गाड़ी ली। चलो भाई तो तब तक हम रेसिंग स्पॉट तक पहुँच जाते हैं भाई, इसमें तो नाइट्रो भी नहीं है, नाइट्रो वगैरह सब कुछ लगा देते तो हम तो यहाँ पर पहुँच गए, पर अभी तक कोई नहीं है। अरे यार कोई नहीं यार, अब तक यार रुको, उसके मैनेजर से जाके बात करते हैं, चल के देखते हैं। तो इसने कहा है कि भाई अब तक तो सुबह होने वाली है शुरू, पर कोई ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस रेस में, क्योंकि ये बहुत ही दूर है और ये थोड़ी गांव जैसी जगह है,
इसलिए किसी को पता नहीं। फिर ये कहा तो गया डर वो अपना गया, और उसने कहा कि जितना दूर तक तू जितना मतलब आपको पता ही होगा भाई, इधर से किधर से इधर पेट्रोल पंप है, इधर तक जाना है, जितना कम वक्त लगेगा उतने ही हमें मतलब पॉइंट मिलेंगे। देखते हैं आप कितने स्पीड में जाके, देखते हैं कितनी गाड़ी स्पीड है, नाम क्या है इसका, जेस्टर है रखा है, चल के देखते हैं। और ये भाई रेस है, इसलिए देखो भाई रास्ते पर कोई भी नहीं है, वही गाड़ी तो बहुत स्लिपरी है यार। मैं बूस्ट मैंने गलत जगह यूज कर लिया है, मेरे से इसलिए देखो भाई रास्ते पर भी कोई ज़्यादा से नहीं है। चल चल यार, स्पीड वगैरह बहुत ही तगड़ी है इस गाड़ी में। अबे यार शीशी यार टूट गया, तो बहुत अच्छी यार चल रही है, बहुत स्पीड भी बहुत अच्छी मिल रही है। और ऐसे बहुत ही बड़ा टर्न है, ड्रिफ्ट में लेनी पड़ेगी, और यहाँ पर हम पहले ही खो चुके हैं, मतलब आप उन्हें जाकर बताना होगा कि कितना टाइम हो चुका है। चलो चलते हैं, उधर चलते सबसे पहले देखते किसको टाइम मिल जाए। तो भाई हम तो भाई बस पूछने वाले, तो यार इस गाड़ी का बूस्ट तो बहुत है जो। अरे यार और भी यार गाड़ी आ रहा है, और भी यार गाड़ी आ चुकी है। हाँ, तो भाई उन्होंने कहा कि गाड़ी बाजू में पार्क कर देना, मैं मतलब मैं जीरो को फ़ोन करके बता ही देता हूँ कि गाड़ी ले नहीं लेके जाए। अरे अब मेरी बारी है, अब हम नहीं जीतने वाले भाई, तू सीधे वहीं पर रह जा। ओके भाई देखो मेरी गाड़ी कैसी है, कितनी अच्छी है, देखो भाई देखो भाई, से नई रेस जीतने वाला हूँ, मेरी गाड़ी की स्पीड देखो बहुत अच्छी है, मेरी गाड़ी उससे तो अरे यार बहुत दिनों के बाद चला रहा हूँ गाड़ी। अरे यार इतने ऊपर से मैं फिर से नीचे गिर चुका यार। अरे यार मैं तो रेस से बाहर आया, हट ठीक है यार। अरे नहीं 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 नहीं, एक गाड़ी बहुत ही चढ़ी गई है, निकल नहीं चाहिए मुझे ये गाड़ी, चल निकल। अरे यार मैं तो मर गया। Thank you.